हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशंस। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्जाम ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो सब लोगों को इंतजार जो है वो रिजल्ट का। तो पहले हम ये दो चीज़ें बात करेंगे। एसबीआई क्लर्क मेंस की डेट आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी कि टेंटेटिव जो है वो 15 जनवरी है। इट इज़ नॉट कन्फर्म, बट मोस्टली यही डेट पे होने के चांसेस है आपके मेंस के एग्जाम। तो दूसरी बात अगर मैं बताऊँ एसबीआई क्लर्क कट ऑफ के बारे में, तो देखो लास्ट ईयर का जो एग्जाम था वो बहुत इजी लेवल का था। कंपेयर टू दैट एग्जाम लास्ट ईयर, तो इस टाइम का थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। तो वो हिसाब से कट ऑफ की बात अगर हम करें तो 65 टू 70 ऑन एन एवरेज आपका कट ऑफ जो है वो जाने के चांसेस है। और ये जो कट ऑफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर स्टेट, कि अगर कौन से स्टेट में आप बिलोंग करते हो वहाँ पे वैकेंसी कितनी है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका कट ऑफ जो है वो आता है। तो देखो, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो उत्तराखंड में हमेशा कट ऑफ सॉरी वैकेंसीज जो है वो बहुत कम रहती है। तो वैकेंसी अगर कम है और कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा है तो हमेशा वहाँ पे कट ऑफ जो है वो ज़्यादा आती है। तो वहाँ पे इट इज़ देखो कि वहाँ पे कम्प्लीटली कि लाइक वहाँ पे 70 भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी। और उसके बाद अगर दूसरा स्टेट में लूँ कि तमिलनाडु, अगर मैंने लिया दूसरा वाला, तमिलनाडु में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेट्स भी एवरेज है, तो वहाँ की जो कट ऑफ है वो 65 भी आ सकती है, बिलो 65 भी आ सकती है। तो ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया, तो ऐसे होता है, तो ऑन एन एवरेज इतना आ सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, डोंट वेट फॉर द प्रीलियम्स रिजल्ट, क्योंकि मेन्स के एग्जाम के लिए सिर्फ और एक 40 डेज वैसा कुछ बचा है। तो देखो, जितना आप अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना आपका मेंस का एग्जाम जो है वो इजी जाता है। दूसरी बात, प्रीलियम्स के रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर टेंटेटिवली जो डेट है ये 15th of January, तो अगर ये हम कंसिडर करें तो 20 December तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। तो 20 December आपका रिजल्ट जो है वो आएगा। और दूसरी बात, रादर देन वेटिंग फॉर द प्रीलियम्स एग्जाम रिजल्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय रहता है। ये समय में आपको बहुत कुछ पढ़ाई करना रहता है, और 60% लोगों ने जिनको सही में क्रैक करना रहता है उन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई शुरू किए रहते हैं, क्योंकि प्रीलियम्स का रिजल्ट आने के बाद बहुत कम दिन रहते हैं आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो आपने अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।